हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जो कि मैं आधे मैंगो से ही बनाने वाली हूँ और बहुत ही बढ़िया बनेगी। और तीन टाइप में मैं आपको आइसक्रीम दिखाऊंगी, यानी तीन डब्बों में। क्या आप फैमिली पैक में भी बना सकते हैं, कोन्स में भी डाल सकते हैं और ऐसे स्मॉल कप में भी डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में मैंने 200 ग्राम दूध लिया है और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 200 ग्राम दूध में हम 1 टी कप डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए 4 से 5 में स्पून चीनी भी डाल रही हूँ, और आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो कंडेंस्ड मिल्क ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, और मैंने कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा कम डाला है, और हमें आइसक्रीम थोड़ी मीठी ही पसंद है। बहुत ही इजी है आइसक्रीम बनाना दोस्तों। तो देखिए, 1 कटोरी में मैंने 4 से 6 स्पून मैंने मिल्क ले लिया है, यानी आधा कप ही समझिए। तो देखिए, 1 स्पून में कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, अगर आपके पास आरा रोट है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, या आप कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कौन से सिटी से देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं भी अपनी थोड़ी खुशी जाया कर सकूं कि ये सिटी में मेरी वीडियो पहुंच रही है। तो देखिए, मैंने मैंगो का पल्प भी डाल दिया, और ये केसर मैंगो था, और मैंने आधा ही मैंगो यूज़ किया है दोस्तों। उसमें एक दो मैंने केसर के धागे पहले ही डाल दिए थे। और देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में ही मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया। और हाँ दोस्तों, जब भी मैंने दूध उबाला था, जब भी मैंने कुछ ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस का भी डाला था, क्योंकि वनीला एसेंस से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यह आइसक्रीम आप पूरा वीक भी स्टोर करके खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनती है। और अच्छे से आप पैक करके रखेंगे तो आइस क्रिस्टल भी नहीं आएंगे आइसक्रीम के ऊपर। तो ये देखिए थिकनेस हो चुकी है, आप स्पैचुला पे कोटिंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कोटिंग है। तो देखिए, 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था कढ़ाई को ही, तो वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। तो उसके बाद मैंने निकाल के मिक्सी जार में डाली है, और इसको पूरा सा स्मूथ कर दिया है हमने। अब हम जिसमें भी डालेंगे आइसक्रीम को, वो डब्बा हमें रेडी रखना है। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले, टूटी फूटी हुआ बादाम हुआ, काजू हुआ, पिस्ता हुआ, तो आप अपने चॉइस से ले सकते हैं ड्राई फ्रूट, चेरीज। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है, और कप में भी डाल देते हैं। ऊपर से मैंने टूटी फूटी ड्राई फ्रूट सब गार्निश कर लिया है अच्छे से। और ये छोटा सा कप, जो आप कभी जैसे गेस्ट आ गए या आपको खुद को ही अलग अलग करके खानी है, तो आप ऐसे कप में भी रेडी कर सकते हैं आइसक्रीम को। तो देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, अब कम से कम 6 से 7 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कुछ मैंने कोन भी रखे हैं, जो आजकल बच्चों को कोन में आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। अब डब्बा ओपन करते हैं, देखिए कितना बढ़िया हमारा आइसक्रीम जम के रेडी हो गया है। आप आइसक्रीम को ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, तो आसानी से आप स्कूपर से निकाल सकते हैं। मेरे घर में सबर नाम की चिड़िया नहीं है, तो इसीलिए मुझे झटपट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। अगर उनको अगर मैं नहीं दूंगी तो खाए बिना ही सो जाएंगे, तो इसीलिए मैं उनको झटपट कोन तैयार करके दे देती हूँ। और ये देखिए थोड़ी सी टाइट है दोस्तों, देखा आपने 200 ग्राम दूध से कितनी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। आप इतनी आइसक्रीम मार्केट में लेने जाएंगे तो 15 से 20 रुपए का कोन पकड़िए, 60 रुपया ये हो गया। उसके बाद ये देखिए फैमिली पैक जो मैंने डब्बे में डाला है, ये कम से कम 120 का है। उसके बाद वो जो आपने कप देखा छोटा, वो भी 30-40 रुपए का है। तो 200 ग्राम दूध से हमारी कम से कम 200 रुपये की आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो आप कब ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर बताइए। आइसक्रीम आपको अच्छी लगी तो कमेंट में
मुझे बताइए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और आगे मैं आपको और एक कोन दिखाऊंगी जो कि एकदम स्मूथ और सॉफ्ट तरीके से आइसक्रीम निकल जाएगा। और आइसक्रीम के ऊपर आप देखिए बर्फ़ की परख थोड़ी सी भी नहीं है, बहुत बढ़िया आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। टेस्ट भी मार्केट से बेटर है। तो इसी तरह मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इन्जॉय।